नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एप्लीकेशन स्टेटस आपका चेक कर सकते हैं, जो कि रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आ चुकी थी। तो यहाँ पर बताया गया था कि 11 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके एडमिट कार्ड को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट। और दोस्तों आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के आप बहुत सीरियस हो जाएं और जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास ये सुनहरा अवसर है, लास्ट मौका है, ताकि आपके हाथ से ये मौका जाना पाए और आपको रेलवे में नौकरी मिल जाए। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो आप देखते हैं पर लाइक नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबा करके, और पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन दिखेगा, इसको भी आप दबा दीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्लीज दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अगर आपने वीडियो देख रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे फेसबुक में और व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों रेलवे के 90,000 पदों के लिए इस दिन जारी होंगे एडमिट कार्ड, उम्मीदवार ऐसे करे चेक। तो दोस्तों ये न्यूज़ जो है अमर उजाला के न्यूज़पेपर में आई है, जिसमें साफ साफ बता रखा है कि 90,000 पदों के लिए रेलवे की करीब 2.37 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एप्लीकेशन स्टेटस लिंक जारी होने के बाद करीब 1.5 लाख उम्मीदवारों के फॉर्म ही योग्य माने गए हैं। वहीं 87 लाख उम्मीदवारों के आवेदन किसी ना किसी वजह से चलते निरस्त कर दिए गए हैं। उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन स्टेटस आरआरबी की वेबसाइट से 20 जुलाई 2018 तक चेक कर सकते हैं। रेलवे की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में हो सकती है। हालांकि अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जुलाई के अंतिम हफ्ते में जारी कर दिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ी अपडेट है कि भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर आप जाकर करके उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, जुलाई के लास्ट वीक तक में आपको एडमिट कार्ड लिंक एक्टिवेट मिल जाएगा आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उम्मीदवार की शारीरिक और मानसिक जांच दिसंबर जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी और अगले साल मार्च तक नियुक्ति कर दी जाएगी। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहां पर कई बच्चे हैं जो कंफ्यूजन में है कि सर कब तक आपका हमारा एग्जाम होगा और कब तक हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर आपको मार्च तक में आपको नियुक्ति भी मिल जाएगी, आपके जो भी एग्जाम है, जो भी मेडिकल, जो भी फिजिकल टेस्ट है, वो सारे यहां पर आपके मार्च तक में कंप्लीट करके आपको नियुक्ति मिल जाएगी। वहीं इन भर्तियों के लिए परीक्षा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में कराई जाएगी। इसकी सीबीटी परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। इसे क्वालिफाई करने वाले पीईटी देंगे, जी हाँ दोस्तों फिजिकल टेस्ट देंगे, क्योंकि ग्रुप डी में आपका रिटर्न एग्जाम के बाद में आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। और दोस्तों जब आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उस वक्त आपको क्या क्या लेके जाना होगा, यहाँ पर साफ साफ बता रखा है। कॉल लेटर आपको लेके जाना, वोटर आईडी या आपको आईडी प्रूफ कुछ भी लेके जाना, आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी लेके जा सकते हैं आप, ठीक है। और स्टेशनरी आपकी जो भी आपकी मैंडेटरी होगी वो लेके जानी है, ठीक है। और यहाँ पर एक और न्यूज निकल कर आई थी, वो हमने आपको इस हमारी वेबसाइट के थ्रू दी है। तो हमारी साइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस पूरी जानकारी को ले सकते हैं। और आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, वो स्टेप बाय स्टेप इसमें जानकारी पूरी दी गई है, वो आप देख करके इस तरीके से आप आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।